दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि मार्बल किचन का स्ट्रक्चर आखिर बनाया कैसे जाता है, क्या मार्बल किचन स्ट्रक्चर के ऊपर फुल बॉडी स्लैब या अन्य कोई काउंटर टॉप का टाइल मटेरियल भी लगाया जा सकता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, हम लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने कोशिश करके लगभग पूरा प्रोसीजर आपको मॉड्यूलर किचन में मार्बल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था उसके ऊपर लेके आए। हम ऑन साइट जाएंगे और वहां पे जाके पूरा प्रोसेस को समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आज हम आए एक मार्बल किचन की साइट के ऊपर जहाँ पे मार्बल को कैसे लगाते हैं ये हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। मार्बल को लगाने के लिए सबसे पहले इस तरह से वॉल के ऊपर जहां जहां पे भी मार्बल प्लेस होना है वहां पे झिरी कर ली जाती है। बेसिकली झिरी इसलिए कर ली जाती है ताकि मार्बल को उसके अंदर अपन थोड़ा सा घुसा सकें, उसके अंदर इनग्रूव कर सकें ताकि उसके अंदर मजबूती आ जाए। इसके ऊपर यहाँ पे जो आप ये झिरी देख रहे हो ये वाली काउंटर टॉप के लिए करी गई झिरी है। इसके अंदर मार्बल और काउंटर टॉप लगाया जाएगा और ये जो झिरी करी गई वर्टिकल ये मार्बल के वर्टिकल खड़े करने के लिए है। ये सिंक सेक्शन है इसलिए यहाँ पे प्लम्बिंग पॉइंट अपने को नजर आ रहा है। जब इसका मार्बल का स्टैंड कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको भी वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख रहे हो मार्बल खड़े होने के बाद में इस तरह का इसका लुक आता है। ये इस तरह से झिरी के अंदर मार्बल के वर्टिकल सेट हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो ये काउंटर टॉप के लिए झिरी भी अवेलेबल है जहाँ पे काउंटर टॉप अंदर जाएगा। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि किस तरह से हम वर्टिकल जो मार्बल रहते हैं उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मार्बल रख देते हैं। अब इसके ऊपर ये जो ग्रेनाइट ये जो अपने फुल बॉडी स्लैब लगाई है ये काउंटर टॉप कैसे लगाया जाता है उसका प्रोसेस आज समझेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुलदीप जी साथ में। कुलदीप जी पहले बताइए कि मसाला कैसे बनता है ये वाला, इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें रेत और ब्लैक सीमेंट है। अब ये मसाले की कितनी परत लगाएंगे अपन, लगभग कितनी मोटी परत लगाएंगे? एक इंची की परत लगा देंगे। उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट, हाँ व्हाइट सीमेंट का जोल डालते हैं जिस वजह से पकड़ हो जाए इससे। अच्छा, और उसके बाद फिर ये काउंटर स्लैब लगा देते हैं। हाँ। तो ये आप देख रहे हो पूरा काउंटर स्लैब अब लग चुका है। पहले जो हमने स्टेज में देखा था तो यहाँ पे पहले अपने मार्बल को कट करके पूरा फिक्स किया था, उसके बाद इसमें ये लगा दिया गया है। अब सामने की जो मोल्डिंग होती है इसको कैसे चिपकाते हैं? ये जो सामने मोल्डिंग आप देख रहे हो ये वाली मोल्डिंग कैसे चिपकी हुई है इसमें, इसके बारे में बताओ। सर ये एरोलाइट से चिपकती है, एरोलाइट से डायरेक्टली चिपका देते हैं। हाँ। और इसके अंदर ये इसकी फिर गोलाई देनी पड़ती होगी, घिसाई हुई है इसकी यहाँ पे। हाँ।
कौन सी किसाई बोलते हैं इसको? इसको फिनिशिंग बोलते हैं ना। अच्छा, डायमंड पॉलिश। हाँ ये भैया साथ में इन भैया को भी लो एक बार। क्या पॉलिश, कौन सी पॉलिश बोलते हैं इनको? डायमंड पॉलिश बोलते हैं उसको। मैं मतलब कैसा, कितना टाइम लगता है करने में इसमें? मतलब कम से कम 10 मिनट लगेगा। अच्छा, एक पट्टी करने में कम से कम 4 फीट। और ये करते क्यों, ताकि लगे नहीं अपने? हाँ, सेम टू सेम कलर आ जाता है। सेम टू सेम कलर आता है। तो इसमें फुल बॉडी स्लैब है, अंदर का रंग सेम निकलता है? हाँ, सेम ही निकला है, देख ही रहे हो आप, है ना? उसमें देख रहे हो आप, आजकल मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट हैं। एक फुल बॉडी स्लैब है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसमें आप देखो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप जो टक्कर देख रहे हो घिसने के बाद भी सेम कलर की निकली है। जनरली अगर आप दूसरी वाली स्लैब काम लेते हो जो फुल बॉडी नहीं आती है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर नीचे जो लगा रहता है वो अलग तरह की टाइल रहती है जो कलर मैचिंग नहीं हो पाती। तो हमेशा फुल बॉडी स्लैब ही हमें लगानी है अगर लगानी है तो, अदरवाइज आप ग्रेनाइट टॉप तो काम में ले ही सकते हो। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि किस तरह से मार्बल का काउंटर टॉप के ऊपर अपन फुल बॉडी स्लैब लगा करके बहुत अच्छा किचन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक बार मैं पूरे किचन का स्ट्रक्चर का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टॉल यूनिट का सेक्शन है जहाँ पे कैबिनेट आ जाएगा। फिर ये वर्टिकल मार्बल के खड़े किए गए हैं जो कि लगभग 30 mm मोटे हैं। 30 mm मोटा मार्बल यहाँ पे काम में लिया गया है। यहाँ पे जो बॉटम प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये लगभग 24 इंच का है। इसके सामने भी इन्होंने सेम मैचिंग वाली क्वार्ट्ज जो फुल बॉडी स्लैब है वो लगा दी है, ताकि आपका जो ऊपर का जैसा लग रहा है वैसे ही नीचे का भी आपका फिनिशिंग आ जाएगा। ये सारे वर्टिकल स्टैंड यहाँ पे खड़े किए गए अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग, जहाँ पे ड्रॉर लगी है ड्रॉर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपका चिमनी वाला सेक्शन इस वाली दीवार पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे वाइट सेक्शन दिया गया है जहाँ पे भी ड्रॉर्स आने वाले हैं। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे सिंक वाला सेक्शन है जो बिल्कुल अलग रखा गया है, यहाँ पे परिंडा आने वाला है। तो मैं ड्राइंग का 3D भी आपको साथ में दिखा रहा हूँ और आपको किचन का कंपैरिजन भी दिखा रहा हूँ। इसका जब पूरा किचन बन जाएगा तो उसका हम पूरा टूर भी आपके लिए लेके आएंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।